देखो, जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो एक प्रोग्राम के दो पार्ट्स हैं, प्रोग्राम के दो पार्ट्स हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के अलावा हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गया, या फिर हमारे पास एक फॉर लूप हो गया, या फिर हमारे पास एक वाइल लूप हो गया। और इन दोनों चीज़ों के जो कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है प्रोग्राम, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपने लिया सी, या फिर सी प्लस प्लस, या फिर जावा, या फिर .NET, या फिर पाइथन। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास सेट ऑफ वेरिएबल्स और सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स की तरह भी, जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर हो रहा है इट इज़ जैसे कि किस तरह से अरेंज्ड है, इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, ये हमारा सी लैंग्वेज वाले स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो उसको उससे कन्फ्यूज मत कर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेजेस के अंदर ना, अगर आप चेक करेंगे कि इस लैंग्वेज में कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं हर एक चीज़ के। अब लैंग्वेज के अंदर कितने प्रोग्राम पॉसिबल, अगर मैं सी लैंग्वेज में लिखता हूँ या सी प्लस में लिखता हूँ या जावा में लिखता हूँ, एक लैंग्वेज में कितने प्रोग्राम पॉसिबल है, एक लैंग्वेज का टोटल इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोग्राम पॉसिबल है, इन्फाइनाइट। अब उन इन्फाइनाइट प्रोग्राम में से आप ये कैसे बताएंगे कि कौन सा प्रोग्राम एक वैलिड प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम एक इनवैलिड प्रोग्राम है। इनवैलिड प्रोग्राम का मतलब क्या है कि उस प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो आप ये कैसे बताएंगे कि हमारी प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ एरर्स हैं या उसके अंदर कुछ एरर्स नहीं है, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल्स, जैसे वेरिएबल्स की नेमिंग आप कैसे करेंगे, तो अगर आपने कुछ नेमिंग करी तो आप कैसे बताएंगे कि इट इज़ अ वैलिड नेम और इट इज़ नॉट अ वैलिड नेम, इनवैलिड नेम। अब देखो, एक प्रोग्राम है, लेट अस से हमारे पास सी, सी प्लस प्लस और किसी भी तरह के लैंग्वेज का हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। जब इसको आप एग्जीक्यूट करते हो तो सबसे पहले आप इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को देखो, एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसको आपने रन किया, ठीक है। रन के अंदर एग्जीक्यूशन और रनिंग दोनों चीज़ आती है हमारे पास, कंपाइलेशन एंड रनिंग, ठीक है। जब प्रोग्राम रन करेंगे तो उसमें पहले होता है हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल, और कंपाइल के बाद प्रोग्राम होता है रन, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हमारे पास प्रोग्राम है उसको पहले आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल के बाद आप उसको एग्जीक्यूट यानी कि रन करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास होता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को आप देते हो प्री प्रोसेसर के पास, प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब ये जो प्री प्रोसेसर है ये हमें देगा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। अब ये जो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है इसको आप देते हैं कंपाइलर के पास, कंपाइलर के पास। कंपाइलर हमें देता है असेंबली कोड, हमें देगा असेंबली कोड, जिसको हम देंगे असेंबलर के पास, ठीक है, असेंबलर के पास। फर्दर अब इसको फिर जो ये हमें देगा मशीन कोड, जिसको हम देते हैं लोडर और लिंकर के पास, लोडर और लिंकर के पास, जो कि फर्दर हमें देता है एग्जीक्यूटेबल कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक जो फेज़ है हमारे पास कंपाइलर फेज़, ये जो हमारे पास कंपाइलर है ये सबसे मेजर जो वर्क है वो हमारे पास कंपाइलर ही करता है। अब कंपाइलर के अंदर फेजेस क्या होते हैं, ठीक है, तो इस कंपाइलर को अगर आप जूम करेंगे तो कंपाइलर में सबसे पहले होता है हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर, फर्स्ट होता है हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या लेता है, इट टेक्स अ प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। अब लेक्सिकल एनालाइजर हमें देता है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, जिसको हम देते हैं सिंटेक्स एनालाइजर के पास, सिंटेक्स एनालाइजर। अब सिंटेक्स एनालाइजर हमें देता है पार्स ट्री, पार्स ट्री, और उसको हम देते हैं सिमेंटिक एनालाइजर के पास, सिमेंटिक एनालाइजर। अब सिमेंटिक एनालाइजर जो हमें प्रोग्राम देता है उसको हम देते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जनरेटर। अब देखो जो सिमेंटिक एनालाइजर है ये हमें देता है पार्स ट्री विच इज सिमेंटिकली वेरीफाइड, पार्स ट्री विच इज सिमेंटिकली वेरीफाइड,
सिमेंटिकली वेरीफाइड वेरीफाइड। और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को हम देते हैं, ये हमें थ्री एड्रेस कोड देगा, थ्री एड्रेस कोड जिसको हम देते हैं कोड ऑप्टिमाइजर के पास, ठीक है। कोड ऑप्टिमाइजर से हम देंगे फिर टारगेट कोड जनरेटर के पास, टारगेट कोड जनरेटर, और टारगेट कोड जनरेटर हमें देगा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यही है जिसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखो ये जो फेजेस हैं, जैसे लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, टारगेट कोड जनरेटर एंड नोन। अब ये जो लेक्सिकल एनालाइजर है, किसी प्रोग्राम के अंदर से वेरिएबल्स और टर्मिनल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेजर जो पर्पज है वो वेरिएबल टर्मिनल्स के डिफ्रेंशिएशन के लिए हम लेक्सिकल एनालाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट एनीवेज मतलब दैट इज़ इनडायरेक्टली हम टेलिंग क्योंकि इसका ये यूज़ होता है, बट एग्जैक्टली क्या करता है मैं आपको जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो फेजेस है हमारे पास, जैसे कि सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिली जो है पार्स ट्री। अब जो पार्स ट्री हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही पार्स ट्री है। ये करता क्या है, ये हेल्प लेते हैं ग्रामर का, ये हेल्प लेते हैं ग्रामर का, जो कि जिस तरीके में हमने ग्रामर डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, तो ग्रामर का यानी कि कुछ ग्रामेटिकल रूल्स की हेल्प लेते हैं। ये लेते हैं हमारे प्रोग्राम को, जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा, एक मेन फंक्शन है मेन, प्रिंट एफ, हाय माय नेम इज हिमांशु, हाय माय नेम इज हिमांशु, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है इट इज़ अ वैलिड प्रोग्राम और नॉट, इसके साथ हम लोग यहाँ पर कुछ हेडर फाइल्स वगैरह वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे हेडर फाइल है हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h वगैरह वगैरह stdio.h एक्सेट्रा। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एंटायर प्रोग्राम एज ए वैलिड सेंटेंस, एज ए सेंटेंस, और इस सेंटेंस के अंदर वी आर गोइंग टू यूज सम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। नाउ वी विल टेक दिस ग्रामर, इस प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए, हर एक प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट ग्राम, एक्चुअली फॉर एंटायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ वी हैव अ ग्रामर, तो वो ग्रामर बताएगी कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स वैलिड है, कौन कौन से प्रोग्राम इनवैलिड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास सेंटेंस था अ बॉय वॉक्स, तो इस सेंटेंस को हमने कैसे जनरेट किया था, हमने बोला कि सेंटेंस कैन डिराइव नाउन फ्रेज एंड इट कैन ऑल्सो डिराइव वर्ब और यू कैन से प्रेडिकेट, फर्दर दिस नाउन फ्रेज कैन डिराइव आर्टिकल, इट कैन डिराइव आर्टिकल और इट कैन ऑल्सो ड्राइव नाउन, आर्टिकल कैन ड्राइव ए, नाउन कैन ड्राइव बॉय एंड प्रेडिकेट डिराइव वर्ब एंड वर्ब को ड्राइव वॉक्स, ठीक है। तो ये एक हमारे पास फॉर्म थी, इसको हम बोलते हैं पार्स ट्री। अब ये जो इसकी लास्ट फॉर्म आई है अ बॉय वॉक्स, ये जो अ बॉय वॉक्स है और ये जो पूरा प्रोग्राम है, बोथ दीज थिंग्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ सेंटेंस। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर डिफाइंड है, हम इस तरीके से एक पार्स ट्री बनाने की कोशिश करेंगे ये चेक करने के लिए कि ये जो पूरा प्रोग्राम लिखा गया है, क्या ये प्रोग्राम एक वैलिड प्रोग्राम है या इट इज़ ए इनवैलिड प्रोग्राम। वैलिड का मतलब है कि क्या ये ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो हमारा उस प्रोग्राम में लिखा मेन प्रिंट एफ माई नेम इज़ हिमांशु। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, चाहे वो 1000 लाइंस ऑफ कोड हो, चाहे वो 5 लाइंस का कोड हो या फिर 1 लाइन का कोड हो, चाहे वो 10,000 लाइंस का कोड हो, लैक्स ऑफ लाइंस का कोड हो, हम पूरे के पूरे कोड को वी आर गोइंग टू कंसिडर एज ए सिंगल सेंटेंस। फिर जो ग्रामर हम डिफाइन करेंगे, तो ग्रामर कैन बी एनीथिंग, जैसे कि ग्रामर के अंदर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एक्सप्रेशन, कुछ भी आ सकता है। तो हर एक चीज़ को जनरेट करने के लिए विल बी हैविंग अ ग्रामर, ठीक है। तो इस ग्रामर से हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास पूरा प्रोग्राम है, क्या उस प्रोग्राम को इस ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब वो कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ पार्स ट्री। तो इस प्रोग्राम के लिए हम इस तरीके से पार्स ट्री बनाएंगे जिसको हम वेरीफाई करेंगे दैट इज़ इट अ वैलिड प्रोग्राम और नॉट। अगर ये एक वैलिड प्रोग्राम है देन ओनली वी कैन से कि हम इसके आगे वाले फेजेस पे जाएंगे, अदरवाइज हमें पता चल जाएगा कि प्रोग्राम के अंदर देयर इज सम काइंड ऑफ एरर्स। तो इस तरीके से हम ग्रामर्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सब्जेक्ट का हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं,
हमने मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमारे पास वर्ड्स हैं, वर्ड्स से सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस से हमने किस तरीके से हम सो कंप्यूटर्स के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड सो ऑन, बट इट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। अब इसके अलावा हमें कंप्यूटेशन की कैपेबिलिटीज़ को भी पढ़ना है। आई होप अब आपको तीन चीज़ों का आइडिया ज़रूर लग गया है कि लैंग्वेज क्या है, ऑटोमेटा क्या है और ग्रामर क्या है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम कुछ लैंग्वेजेस के लिए ऑटोमेटास बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।